हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सो गॉड ऑफ वॉर में फिर से आपका स्वागत है। गेम प्ले आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा रिकैप। जी हाँ, लास्ट गेम प्ले की शुरुआत ही बहुत ही धमाकेदार हुई थी, जिसको हम एक सफ़ेद एनर्जी का गोला समझ रहे थे। बेसिकली वो एक एक टेस्ट था, एक पजल थी, जिसमें कि तीन रिंग आपस में घूम रही हैं और हर एक रिंग के ऊपर एक कह सकते हो आप हेल वाली विंड थी, वो लगी हुई थी। तो हमें उस विंड को निकालना था, हर एक सेक्शन में जाके उसको डालना था। वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप थे, वहाँ पे चेस्ट थे, उन्हें कलेक्ट करना था। बट दो चीज़ें करने के बाद जब हमें तीसरी रिंग से चेस्ट हेलविन को निकालना था, तो वो बहुत टफ था। बेसिकली उसको निकालने के लिए ही हमें काफ़ी फाइट करनी पड़ी, कई कई जगह से जाके जाना पड़ा और अपना दिमाग इस लेवल पे लगाना पड़ा उस पजल को सॉल्व करने के लिए। वो आउटस्टैंडिंग था। लेकिन जब वो रिंग से फाइनल हेलविन निकल गई और उसको हमने ट्रैप के ऊपर लगाया, पजल के ऊपर लगाया, लेकिन चमत्कार उसके बाद हुआ जब दो बड़े बड़े से दानव वहां पे आए। जी हाँ, एक था फ्रॉस्ट वाला, एक था फायर वाला। दोनों के साथ फाइट करनी थी और दोनों की एनर्जी एक साथ थी, हेल्थ एक साथ थी। इजिली डिफीट किया, लेकिन उस पूरे चेंबर में क्रेटोस के बारे में बहुत चीज़ें पता चली। एंड क्रेटोस और एट्रियस के जो बॉन्डिंग थी वो थोड़ी स्ट्रांग भी हुई। ये सब कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम गए फायर रेल में, जहाँ हमने फाइट करी हमारी वेलकरी के साथ। काफी टफ फाइट थी टू बी ऑनेस्ट, बट समहाउ अगेन हमने उसको डिफीट किया। और उसको डिफीट करने के बाद फाइनली अब हम वापस से मिडगार्ड की तरफ आ चुके हैं। तो अब चलिए गेम प्ले शुरू करते हैं, देखते हैं नागया नया आगे क्या आने वाला है। तो लेट्स डू इट। ओके, सो लास्ट गेम प्ले में वेलकरी गोलोंड गोलोंड आई डोंट नो उसका नाम क्या था, उसको बड़ी मुश्किल से हमने हराया। राइट, अब यहाँ पे आके कुछ अपग्रेड्स कराते हैं। वाह, अपग्रेड्स है कुछ? क्या क्या दे रहा है पहले देख लूं। ब्लेड्स, हैवी रूनिक अटैक। इसको परचेस करने के लिए सामान ही नहीं है मेरे पास। व्हाट इज दिस? एन्चेंटमेंट्स। ओके, ये कुछ एनिमी स्टाइल ग्रेंज रेंज टू बर्न डैमेज। सीरियसली, सिर्फ उसके लिए नहीं, रिसोर्स। ओह यस, ये चीज़ मिली थी बेसिकली वेलकरी से। ये तो चाहिए भाई, ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी है बेसिकली। और क्या है? रिजरेक्शन स्टोन। हाँ, तो रिजरेक्शन स्टोन। अब इसमें मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हेल्थ ले लूँ या मैं बजर कर ले लूँ। हेल्थ ही रखते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि रेज अटैक होते हुए भी अगर आप उसको हिट नहीं कर पाओ तो वो पूरी हेल्थ वेस्ट हो जाती है, रिट्रीव नहीं हो पाती। अब इसमें क्या है? रिस्टामा। ये तो चाहिए। व्हाट? परफेक्ट एसगार्डियन स्टील। क्या बात है, मैंने तीन वेलकरी मारी और मुझे कहीं से भी परफेक्ट एसगार्डियन स्टील नहीं मिला अभी तक। अरे यार, दिस इज नॉट फेयर। शे, देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें मिलती है। और आई थिंक इससे तो नहीं, पीछे जो ऑलरेडी अपग्रेड है उससे तो ये ज़्यादा ही है। बस इंचेंटमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। ब्लेड ऑफ गैस, लेट्स डू दिस। रूनिक 99 मैन। और कुछ है? मिथिकल ट्रू वॉरियर, ये सब नहीं चाहिए यार। अच्छा एक सेकेंड, लड़के के लिए भी देख लेता हूँ, लड़के के लिए कुछ है या नहीं। नहीं, आई थिंक जो था वो मैं ऑलरेडी ले लिया है और इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो नथिंग एल्स। इसको बात करने दो, तब तक मैं अपग्रेड करता रहूँगा। नहीं, ओ स्किल ट्री, बेस्ट पार्ट। हालांकि फाइट होते वक्त ये सारी चीज़ें याद नहीं आती कि कौन सा कॉम्बो मारना है, कौन सा अटैक मारना है, बहुत मुश्किल है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? सॉकेट्स में मुझे जाना है। ये टीएसआर सबसे बेस्ट लगा यार, सब कुछ बढ़ाया इसने। दिस इज स्ट्रेंथ वैरायटी, स्ट्रेंथ वैरायटी बट हाई पर्क चांस, ग्रैंड प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम एनिमी अटैक।
थ्रो एक्स, इसके लिए मेरे पास कुछ है शायद, यस ये इक्विप हो गया। व्हाट इज दिस, कूल डाउन व्हेन डैमेज इज टेकन, बट इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, ये सबसे मेन चीज है। वैसे देखा जाए तो यहाँ कुछ खास नहीं है, बट ये डिफेंस अच्छा खासा दे रहा है इसलिए रखा हुआ मैंने। ओके रेज इज गेन 5-5, ये फिर भी ठीक लग रहा है मुझे। और इसमें क्या क्या है, रूनिक 14, फ्रॉस्ट डैमेज 25, ये तो चाहिए भाई, ये बिल्कुल चाहिए, और ये भी चाहिए। व्हाट एल्स, ओके ये टाइमर वाला मैंने रख लिया, तो इसमें कोई तलिस्मैन अटैच नहीं हो पा रहा है। पहले वाले में दो तलिस्मैन अटैच हो रहे थे, बट स्ट्रेंथ डिफेंस कूल डाउन, इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये सिर्फ डिफेंस है, ये स्ट्रेंथ और डिफेंस भी गिराएगा बेसिकली, ये सब कुछ गिरा देगा। होल इसमें एक इंचेंटमेंट सॉकेट है, यही ठीक है यार। बट वट टू डू, वट टू डू, वट टू डू, मेरे पास जो बचा है एक, उसको कहाँ लगाऊँ, ये बहुत, ये है आई ऑफ द रेज, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, वेरी लो पक एक्टिवेशन चांस टू ग्रांट अ ब्लेसिंग ऑफ कूल डाउन व्हेन डैमेज इज टेकन, कूल डाउन बढ़ाएगा, डिफेंस बढ़ाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ लिव इट, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे और तलिस्मैन चाहिए होंगे यार, मेरे सारे सॉकेट्स ओपन हो रखे हैं, तीन तीन तीन, और यहाँ जो मैंने लिया उसमें अटैच ही नहीं Our हो new सकता। friend Amir. आई डोंट नो। We've met. Oh, why didn't you say so? He knows why. I know why. Wait, a voice from the sword. It says we can go this way. चलो, सो फाइनली मेन स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं अब, कि ये टेंपल की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स गो बैक, फायर रेल डन। सो बेसिकली एक कोई छठा ट्रायल शुरू हो रहा था जिसके लिए हमें चाबियां चाहिए थी। पहले ये एक तरीके से ग्राइंडिंग प्रोसेस हो गया कि आप लड़ते रहो, सेम वही फाइटिंग एक्शन करते रहो, स्टोरी में कोई चेंज नहीं होता। द एसियर्स ग्रेटेस्ट मर्डर वेपन द बेन ऑफ जायंट काइंड दे मेड थोर्स हैमर आई डोंट थिंक दे लाइक इट ओ आई शुड से नॉट बट दिस वाज लॉन्ग अगो एंड दे वर ईगर टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स रादर ओवरडिड इट विद दैट वन मी थिंक्स नाम तो बना लिया उन्होंने अपना और के लिए हथौड़ा बना लिया नाइस यार कॉम्बो याद रखने जरूरी होते हैं और कुछ नहीं क्लोज कॉम्बैट में तभी फायदा होता है अभी तो ब्लेड ऑफ क्योस भी मेरे पास बहुत क्लोज हो गया है जाना किधर है भाई कम ऑन यार मेरे पास अभी भी फास्ट ट्रेवल का ऑप्शन नहीं आया दिस इज द ओनली थिंग विच आई हेट गेम प्ले को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ही टू वे ट्रेवल नहीं कर सकते बेसिकली भोंपू बजा के कोई फायदा नहीं होगा बट किसी ने तो सपेंट को बुलाया था जब हम विच के केव में गए थे ये कौन सी टावर है कोई टावर है अच्छा मुझे एक चीज़ और करनी है सारी टावर्स पे आग लगानी है यहाँ तो जली हुई है ऑलरेडी No, I may have kept your secret too long, but now you will keep our secret. Oh. इसको पढ़ सकता है ये? Read it. Yes, sir. I can read these now. Oh. It says the Gauntlet of Surtur is in Muspelheim. Is that what those challenges are called? Ah, that makes sense. Who else would be training in a place like... I still can't read these. अच्छा इस वाले को नहीं पढ़ सकता इसको पढ़ सकता है मुसफेल एम वाला तो फायर रेलम के को पढ़ सकता है ये बेसिकली ग्रेट विच के जादू से यहाँ पे
हमारे लिए एक तो फायदा हो गया है कि जितने भी जहर उगलने वाले पौधे थे वो बेसिकली ऑलरेडी कंट्रोल में है. Shouldn't we be open? Like Tyr? Tyr kept secrets too, for good reasons. To protect people. It is wiser to be discreet. That doesn't mean you should lie to your friends or your family. I'm sure Sindri would understand and do the same, lad. Whoa, what is this, man? So, lad, excited to finally see the land of the giants? Yeah, but also sad the journey's almost over. Oh, समझ गया. तो ये mainly जहाँ से मिमिर को लेके आए थे. Oh, what if we get to Jotunheim? वहीं से ये लोग Jotunheim का दरवाजा खोलेंगे. Makes little difference to us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Oh, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Oh, tell me what. इसको बड़ी जल्दी हो रही है ये बताने के लिए कि ये भी देवता है. Did you put this wheel in your mouth? Oh God. What? I'll vomit. I'm not kidding. I'll throw up on it. It is nothing. A family matter. Oh. Oh. I can tell you a thing or two about family matters. Oh. Let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Those things are accurate. Your point? इतनी बार सुन चुके हैं कि ये हमेशा यही बताते हैं. Over and over. Do something about it or shut up or it. I see. Yeah. अब ये गुस्सा हो रहा है तो देखो. ये देखो. ये देखो. इसके गुस्सा होने के साथ-साथ बादल गरज रहे हैं. All right. मुझे लग रहा है सिंड्री को शायद ऐसी डाउट हो गया. Let's have a look at your gear then. चलो कुछ मजेदार अपग्रेड दे दे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे. Come on, Sindri. His option. Can't guarantee you'll like my work today. नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं दे रहा. What is this? हद है यार. Don't need me anymore, huh? No. You're useless. Okay. चल क्या रहा है सीन. अब खत्म करेगा. बहुत ज्यादा मस्ती में ले गया था. ये तो गया. और कोई है इधर पीछे बस छोटे उड़ने वाले पेड़ रोक नहीं सकती थी बट जैसा कि लग रहा है ये शायद छोटा सा टेस्ट था इनका. आई थिंक ये एरिया ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है. वहाँ पे चेस्ट वगैरह थे जो ये सारे चेस्ट ले लिए है. ये भी खत्म कर लिया है तो लेट्स मूव. यहाँ कुछ ऐसा बचा नहीं है मेरे लिए. जिस तरीके से गेम में चेंज किया ना इन्होंने यहाँ आने के बाद मेरे ऊपर फिर से अटैक हुआ है. हालांकि छोटा सा ही सही. आई थिंक सही रास्ते थे. आई थिंक व्हाई डिड यू स्पीक टू द ड्वार्फ लाइक दैट. Aren't you sick of hearing about him and his brother? Of course.
but it serves nothing to make an enemy of him. He should know the truth, even if it hurts. It was needless and unkind. Truth is more important than kindness. Your mother would disagree. She wasn't a god. बात तो फतेह की बोल गया लड़का. Oh, oh. Whatever. Who else? कोई और लगा मुझे. Health नहीं चाहिए भाई. Health? Why don't you let me carry her up? No. Why not? Health ही उठा रहा बार-बार. You know I can handle it. Can you? After the way you spoke of her, I question that. What? That she wasn't a god? She was better than a god, and you shall not dishonor her. Fine. Carry her yourself. एक सेकेंड. सो बेसिकली अगर यहाँ पे है तो पीछे भी कहीं होनी चाहिए. बस ढूंढना पड़ेगा मुझे कि है कहाँ. दिस इज ट्रिकी मैन. कहाँ छुपा के रखी होगी इन्होंने. एक चेस्ट खोलने के लिए अब मुझे इतना माथा मारना पड़ेगा. नहीं ये रही ना. एक सेकंड, मुझे लग रहा है वो शायद वहां पे होगी. अभी कोई लड़ने नहीं आना यार. अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है बिल्कुल भी. अगर मैं वेपन चेंज करूंगा तो यार आई थिंक इसी में है. राइट. बट वेपन चेंज करते ही मेरी हालत खराब हो जाएगी. सो हाउ. नोप. हाँ यहाँ से ले सकता है ये. चलो जी. दैट्स इट. इजी पीजी. और अब यहाँ से निकाल के आगे की तरफ. आई लव दिस पार्ट यार. इसके साथ खेलने में मजा आता है. और यहाँ से निकाल के ओपन द चेस्ट. वही है ना गेम के. मुझे लग रहा है मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि सारे जितने भी क्लोज मैटर्स थे खुल चुके. लाइट रिटनिक अटैक करता क्या ये. ब्लेड ऑफ Hephaestus. सीरियसली ना डैमेज है ना कुछ है. बर्न अच्छा है लेकिन इसका डैमेज देख रहे हो. ओहो मजा आ जाता भाई. देख के ही मजा आ जाता है. नाउ वे यस. तो मेरा मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही निकला. एक्चुअली यहाँ पे मुझे मालूम है यहाँ एक दो ऐसे सीक्रेट दरवाजे थे. कम ऑन ओपन इट ओपन इट ओपन इट. दैट्स इट. वो वेलकरी. अच्छा नंबर 3 ही दिखा रहा है बिकॉज. अच्छा बट ऐसा क्यों. वाई मैन. अच्छा वेलकरी को मारने से चेंबर के काउंट का कोई लेना देना नहीं है बिकॉज एक को तो हम दूसरे रेल में मार के हैं बेसिकली. आई डोंट नो इसके अंदर कौन सी वाली होगी कैसी होगी. परफेक्ट एसगार्डियन स्टील मिल जाए तो मैं वेलकरी वाला जो हाथ का आर्मर है ना उसको फटाफट अपग्रेड करूँगा. बाकी तो पता नहीं मुझे उस कौवे की आवाज आ गई. ल
loaded. Help not required. सबसे गंदा एक्शन लगता है मुझे ये, सबसे बुरा। चेन पकड़ के एक छोटा सा अटैक मारता है, इससे अच्छा तो खिलाड़ी का है। इनलेट हेल्थ देख रहे हो, हेल्थ तो जबरदस्त पड़ी हुई है भाई, हेल्थ है मजेदार। अब हेल्थ के अलावा ये रहा चेस्ट और वो रहा बंदा। सोचो पहले गेम प्ले को सेव कर लूं इधर। लेट्स डू दिस नाउ। व्हाट इज दिस मशरूम? नहीं ओ, ये रूनिक अटैक था यार। शिट, ये गलती कर दी मैंने। मैं वहां मशरूम कहां से आ गया इसमें? और देखो वहाँ हॉर्न था, यहाँ पे भी हॉर्न है और यहाँ पे भी चेस्ट है। सो बेसिकली हैक सिल्वर रज के मिलेगा। दैट्स इट, एक ही। और इसका दूसरे साइड का डोर बंद है। कम ऑन यार, आई डोंट नो इसको कैसे हराना है। मेरे पास रेज अटैक भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं है। It's another Valkyrie. We're gonna save her, right? If by save her you mean brutally rip her wings off, then my vote is aye. Enough. Both of you. I will decide the best course of action. Chalo bhai. Prepare yourself. वाओ, ये क्या था? वाओ, ओ ओ शिट मैन, ऐसा भी ऐसे ही बजा देगी मुझे लग रहा है। इससे तो बच के रहना पड़ेगा। आजा आजा, बहुत ध्यान से लड़ूंगा। Come on, pass the shit. ये बहुत मुश्किल हो गया भाई। यारे यार ये नहीं चाहिए बस। इससे भागते रहो। वो वो वो। हेल्थ किधर है? ऑन लड़के, थोड़ी सी तो हेल्प कर मेरी। वो और सारे डोर ही बंद हैं। So that's it then. Oh. ये थोड़ी मुश्किल थी, मैंने दिमाग नहीं लिया और मैं सब कुछ उल्टे सीधे शॉट खेल रहा था। चलो जी। Prepare yourself. वो ले गया, डैमेज ले गया भाई। इसे बचना है।
अनब्लॉकेबल बहुत है इसके पास। यूनिक अटैक ही बता रहे हैं। मुझे भी डैमेज हो रहा है हालांकि हवा में नहीं रखना इसको। ओ लड़के कुछ कर। ओ वाह कैसे चिल्ला रही है। हेल्थ लेते रहो। Shit, this is not right, yaar. अभी आप थोड़ा ज्यादा डैमेज हो सकता है। वो बहुत ध्यान से खेलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये देखो ये नॉर्मल अटैक। लड़के 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 वाओ शिट सीरियसली ये नहीं होना चाहिए। ओह कहां से अटैक किया मुझे पता नहीं उसने। अरे हेल्थ आई थी निकल गई यार। बहुत क्लोज मैच चल रहा है, बहुत क्लोज मैच है अभी। केवल का मैं ध्यान रख रहा हूं, उसी का ध्यान रख। अब तो जानी चाहिए यार, गई फाइनली। कम ऑन फाइनली मैन, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी ये तो। फ्रीडम फ्रीडम कर्स्ड नो लॉन्गर अ जॉयस डे इंडीड। ये अकेली है जो इतनी खुश हो रही है। Milady, please tell us, why were you in this physical form? Why fight us? I do not know. The soul of a Valkyrie cannot remain pure in a physical body. We belong in the spirit world, which is where I now go. Goodbye. Goodbye. उठाओ इसका हेलमेट। सो चार वेलकरी डाउन। कितने को फ्री करना था, सात को आठ को, तो भूल भी क्या। बट बहुत पावरफुल है यार, मतलब जो नॉर्मल बंदे से मैं लड़ता हूँ उससे बहुत ज्यादा पावरफुल। Somebody made them this way. Who and why? I wouldn't want to speculate. You know something.
as Guardian Steel. Smartest man alive. मुझे चाहिए जो परफेक्ट किसी का. Sigrun, the Queen of the Valkyries. She would have that power. The last time I saw her, she was corporeal herself. She came to visit me long after I'd been imprisoned by Odin. Why? Well, we had history, I guess you could say. Like, romantic history? Ah, lad, you're making me blush, I think. Can I still blush? First we hunt these creatures, and now we chase your former lover. We do not need this distraction. It's more than a distraction. Father, these are Valkyries. They're the ones who keep the dead from overrunning Midgard. Then they are terrible at their job. It's not their fault, brother. Someone changed them. Kept them from their duty. The Queen? I can't say for sure, lad. We should ask more of them. If, of course, you don't mind the distraction. अबे यार कौवा था यार, मैं कौवे को ढूंढ रहा हूँ. भाई साहब, तोते उखाड़ दिए इसने मेरे. एक सेकंड. वो दिख गया कौवा मुझे. वो दूसरी तरफ बैठा है एक्चुअली में. ये देखो, किसी को नजर ही ना आए ऐसी जगह बैठा है. 51 मारने मैंने 31 मारे हैं. और सबसे पहला काम तो अब मुझे करना है सिंट्री के पास जाके वो पत्थर लेना है. रेजरेक्शन स्टोन. जाना था कहाँ पहुँच गए कहाँ. तो इस हिसाब से अगर मैं माउंटेन पे पहुँच भी जाता हूँ तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि एंट्री करते जो बड़ा सा एक डोर है राइट, वहाँ पे भी एक और सीक्रेट चैम्बर है. अगर वहाँ पे एक और हुई तो भाई तो फिर तो बवाल ही मच जाना है. मुझे लग रहा है हेल्थ से अच्छा ब्रिजर का स्टोन ही है. एटलीस्ट वो ये तो गारंटी देता है कि जब भी मरूँगा रेज अटैक के साथ हेल्थ गेन करके ही मरूँगा. इसीलिए छुपा के रखा था इसको. देख रहे हो ये सब ऑलरेडी ओपन कर लिया मैंने. यहाँ जाना था शायद हमें. आई डोंट नो. अब इतनी हेल्थ मिल रही है जिसकी जरूरत ही नहीं है. कम ऑन बॉय डाउन. सो आई थिंक मेन स्टोरी के जो बॉसेस आ रहे हैं उससे कई गुना मुश्किल वैल्करीज है. उनको ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक चैलेंज देंगी. और चैलेंज भी बहुत खतरनाक भाई. छोटू मोटू नहीं. Oh, I'm glad I'm still useful to you. Yes, you are, buddy. No armor item. Berserk custom. यही रखना सही है. एटलीस्ट ये तो है, हेल्थ भी बढ़ेगी और कुछ फायदा भी होगा इससे. चलो टाइम टू मूव. अब मुझे समझ में दिक्कत हो रही है कि मुझे जाना किस रास्ते से. वो मुझे माउंटेन पहुंचना है भाई. माउंटेन 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 का तो यही सबसे आसान तरीका लग रहा है मुझे. ओहो दिस इज गुड. इसको कवर कैसे करूँगा मैं. एक सेकेंड, यही करवाएगा. बचे हुए सारे चेस्ट अब मिलने वाले हैं. ये कमाल की बात है. इसलिए पूरे रास्ते से जाना जरूरी है, कहीं कुछ मत छोड़ो. व्हाट इज दिस. इंक्रीज द पावर ऑफ अस गेन बाय 27% नॉट रिक्वायर्ड आई डोंट थिंक. ऐसा एक और चेस्ट मुझे याद आ रहा है पहाड़ के ऊपर कहीं पीछे भी था. दैट्स इट. यहाँ पे सिर्फ इसी का काम था मेरा. जाना उधर से ही है. कमाल की बात है. नहीं एक सेकेंड. माउंटेन माउंटेन माउंटेन. और कितने चेस्ट ऐसे छोड़े हुए हैं मैंने यार, मुझे खुद नहीं पता टू बी ऑनेस्ट. ये
गेम प्ले बिल्कुल अलग ही मोड पे पहुंच गया है। मुझे लग रहा है ये रास्ता नहीं है, रास्ता यहाँ से है, वो भी लेफ्ट वाला जो कि अंदर की तरफ जाता है। भाई साहब ये वेलकरी तो खतरनाक थी यार, अंधेरा कर देती थी, डरा देती थी। और ममिर की प्यार की कहानी मिल रही है वेलकरी की रानी सिंगरून से। भाई बच्चे आ रहे हैं। अच्छा जी वॉच योर बैक। ओह चल गया रहा भाई। ये सही चीज थी यार। मतलब अच्छा ही हुआ हमें इस रास्ते से आया, कुछ नया तो पता चला। और ये अलग ही लेवल के पिशाच है जिनको मैंने कहीं देखा है, बीच में कहीं देखा था बट यहाँ पहली बार आ रहे हैं। Isn't it a lot simpler if they want us dead because we're gods? They think we're a threat? I suppose we can't rule it out. But Odin's ways are subtle. His purposes are... Enough about Odin and his whole stupid family. Odin and his stupid family. Oh, एक चीज बड़ी अच्छी हुई यार जो मैं यहाँ तक आया। I still remember. यहाँ पे एक मेरा treasure map बचा हुआ है। देख रहे हो? Oh, oh, oh. Amazing, man. लो जी। I suppose that's Odin's doing too. Yes. Nice try. उसने दरवाजा ही बंद कर दिया। अब हम चलो जो मिले उसे बटोर लेते हैं एटलीस्ट। सॉलिड सेवेंथ एंड स्टील। So यहाँ से नीचे उतरने का बेस्ट तरीका। But we're not. Tyr wasn't. Freya neither. The Aesir gods, that's who's evil. Oh, ye raha rasta mujhe pata bhi nahi chalta ye. Odin's right. We are a threat. Because we know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them. Not yet. Magni did his worst and he's dead. They're no better than us. And they're going to be sorry they picked this fight. What else? Anything? Nothing. अरे एक सेकेंड यार, वो मैं अभी फिर जल्दबाजी में निकल जाता और मैं भूल जाता हूँ वो ट्रेजर कहाँ है। ये रहा, बिल्कुल मुंह के ठीक सामने ही है। What is this? Galactic catalyst. Eye of Fury. Blink complete. तो अब दो चीज़ें, या तो मैं रेज अटैक बढ़ाने का फास्ट फॉरवर्ड ले लूं। वो अमेजिंग मैन। आप कौन से नए पिशाच हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। गिलहरी चूहा नो ओ मैग्नी Blame me. Me for what you did to Magni. No, ye Modi hai basically. My old father called me a coward. Looks like he did more than that.
Move it. Thor ने इसकी बैंड बजा दी और ओडिन ने इसको फेंक दिया. No. He is beaten. Not worth killing. He should pay for what he said about Mother. I said no. But we're gods. We can do whatever we want. भाई ये तो बिगड़ता जा रहा है बिल्कुल ही. That's what I said to your mother right before I gave it to her. What are you doing? This is a much better knife than Mother's. Seriously, Har? You killed against my wishes. You lost control. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. We are gods, boy. हाँ, दोनों में अंतर है. That makes us a target. From now until the end of days, you are marked. So I teach you to kill, yes, but in defense of yourself. Never as an indulgence. आत्मरक्षा के लिए मारना पड़े तो मारो, लेकिन मजे के लिए नहीं. What's the difference? There are consequences to killing a god. Why? How do you know? How do you know? बड़ा उसने तो पत्थरों को मारा है. Your tone, boy. Whatever. भाई यहाँ से अब चीजें इसके हाथ से निकलनी शुरू हो गई हैं जब से इसको पता चला है कि वो देवता है. भाई साहब चटका दिया मोदी को. Why are we going this way? Did we miss something back here? चलो चलो चलो. अच्छा हाँ, अब तो यहाँ पे जो ट्रैप लगे थे उनको मैं तोड़ सकता हूँ. इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है अभी. और यार से तो हैं ये लोग, इनको दूर से ही चटका दिया मैंने. पास जाने की भी जरूरत नहीं थी. और इसके लिए मुझे क्रिस्टल चाहिए. अब वो क्रिस्टल मुझे कहाँ से लाना पड़ेगा इस लोर को ऐड करने के लिए. व्हाट इज दिस मैन? ये डोर कहाँ खुल रहा है? ओके, सो लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो हमें पूरा घूम के आना पड़ता यहाँ तक पहुँचने के लिए. और अब तो वो बीच का वो पार्टीशन ही गायब हो गया है. चलो तो एक बार क्रिस्टल ढूंढ के लाते हैं. अगर क्रिस्टल मिलता है तो उसको लगाते हैं और इस कहानी को पढ़ के जाते हैं. ये उठा सकते हैं क्रिस्टल? हो, इसका मैजिक ही हटा दिया मैंने. Not required. Lore added करेंगे, mountain पे चलेंगे. अभी तो ये सिर्फ हम Jotunheim तक पहुँचने का रास्ता ही बना रहे, अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं. कमाल है यार. That's it. Stun वाले एरो तो मैं यूज़ कर भी नहीं रहा. इलेक्ट्रिक ही है ज़्यादा. एटलीस्ट डैमेज तो हो रहा है. If Modi found us, Baldur cannot be far. Good. I have a few words for him too. No, you do not. You will leave him to me. So you can kill him. Because that's what we do to our enemies, right? यार ये बस. Because he do the same to us. ये बाल्डर को बहुत हल्के में ले रहा है. What is necessary? And I'll help. No. मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे किस रास्ते जाना है एक्चुअली. अभी आई थिंक यही है चेन. इस चेन को गिराने का फायदा ही यही है. सब इस बच्चे को लग रही है बेल्डुर से लड़ने के लिए तैयार है.
I don't think so. उसने क्रेटोस तक की बैंड बजा दी। What is wrong with him? सब आते हैं अकेले फेल तो दिया इसने पर। यार मुझे इस बच्चे के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। एक सेकेंड, ऊपर कुछ रास्ता है? हाँ रास्ता तो है। यहाँ क्या है? अच्छा यहाँ पे चेस्ट था जो ऑलरेडी हमने लास्ट विजिट में ले लिया था। कम ऑन ओपन द डोर। Yeah, this room. But we need a new way up. Seriously, it didn't look like it. Come on, lad, yaar. I'm going to do this again. सीरियसली इतने मजे से ही जैसे आगे गया। वाओ वाओ ये बाप ये फास्ट है भाई। हो क्या रहा है? सुपर होल मुझे ऑटोमेटिकली क्यों एक्टिवेट किया इसने? अच्छा मेरे निकलते ही वो डोर बंद हो गया तो ये सारा का सारे एरिया ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। हैक सिल्वर है और यहाँ पे कहीं देखो कमान 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 उसको मार के नहीं रहा ये। ये अच्छी चीज लगी मुझे। हाँ कुलाड़ी को एक ही बार घुमाओ कुलाड़ी खुद ही मारती रहेगी। हाँ सीरियसली ये अपने आप ही चल रहा है। ये रहा ये मेरी बातें सुन नहीं रहा अभी। ओके सो ये मेन स्टोरी का पार्ट है और यहाँ पे यस। Whoa, seriously? एक एक और शेर घूमना है। नहीं वो तीन कमान यार वेस्ट हो गया पूरा। अच्छा नहीं तीसरा लग गया। तीन अभी तक एक ही जगह मिला है हमें। चौथा चेंबर इससे बजती है भाई। चलो एटलीस्ट इसका ये तो परफेक्ट हुआ। नीचे पहुंचते हैं पहले बाद देखेंगे। सो इस गेम प्ले में मुझे लग रहा शायद वेलकरी से ही लड़ना रह गया मेरे लिए पर ठीक है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट वेलकरी काफी स्ट्रांग बनाया इन्होंने। पता नहीं हेल्थ पोशन वगैरह क्यों दिया है जब मैं उसको यूज ही नहीं कर सकता। ऊपर का एरिया सर्च कर ले पहले तो। सब फालतू चीजें छोटी मोटी चीजें अलावा कुछ भी नहीं।
सो अगर मैं सही काउंट कर रहा हूँ तो तीन तीन के बाद चार चार के बाद पांच। टोटल हैं कितनी? पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा वैल्करीज हैं कितनी। That's it. अब ये कौन सी होगी ये देखना है मुझे। वैल्करी हर किस्म की अलग अलग है और सबकी पावर अलग है। It's another Valkyrie. जा बेटे दिख रहा। Are we doing this? On my action. चलो जी। कहाँ गई? बहुत क्लोज मैच है यार, बहुत क्लोज मैच है। अरे यार Come on, get up, brother. जगह ही नहीं दे रही बिल्कुल। छोटी जगह का ये पूरा फायदा उठा रही है। हाँ लड़के बचा के रख। कम ऑन होल्ड इट मैन। तो लगता है ये बच जाएगी। अब थोड़ा डैमेज भी होगा इसको। तो
ब्लास्ट वाला डैमेज खतरनाक हो रहा है यार। उसी से बचना है। चीज से बचना है बस। इसी से। गुड। ओह ले गई। कमांड यार। बहुत क्लोज चल रहा है। ही बचेंगे बस। कमान बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही रहेगा। कमान लड़का क्या कर रहा है मेरा। टाइम यूज करना पड़ेगा। ओह बहुत क्लोज है। अब भाग मत जा। अरे यार फिर भाग गई। पीछे रहो पीछे रहो। वहां पे बराबर से टाइम और गई 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 गई। ओ गॉड ओ गॉड। सबसे पहले वाली ही सबसे इजी थी। ये तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ टफ होती जा रही है। और इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि भागने के लिए जगह ही नहीं है। इसके अटैक्स उतने टफ नहीं थे। Who did this to you? I remember only pain and my queen. She locked me down here. But why? वाह उठाओ भाई माल उठाओ बस। Sounds like your queen is responsible, head. Aye. When I saw her last, she was different. Changed. And not just that she's in physical form. क्या है ये? Okay, Runic तो अच्छे में है. She was more volatile. What is this? I tried to talk to her about Eye it, but Eye of the Wing Chosen. She had just come to say goodbye. चलो टाइम टू मूव आउट। रेज पूरा खत्म हो गया।
बट इस माउंटेन में और रेज की कहीं जरूरत भी नहीं है। बट ये वन वे टेलीपोर्टेशन, अगर मैं यहां से जाऊं भी तो कहां पहुंचूंगा? ब्रोकन। Wonder if Modi was somehow able to sever its connection to the World Tree to funnel us here. Modi, Magni. तो Magni को तो हमने पहले मार दिया था, Modi बचा हुआ था। Modi जब वापस गया अपने भाई Thor के पास और Odin के पास, तो Thor ने उसकी बजा बजा के बैंड बजा दी और Odin ने भी उसी को माना culprit कि तुम्हारे कारण ही Magni मरा है। और बचे कुछ मोदी को इस छोटे से एट्रियस ने अपने चाकू से मार दिया। लेकिन ये अब थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है कि जैसे जैसे ये बच्चा, अब इसको पता चला है कि ये देवता है, ये अपना आपा खो रहा है। सो फाइनली ये वाली वेलकरी भी खत्म हो गई। अब हमारी मेन स्टोरी है जो हमें यहाँ से शुरू करनी है, राइट? यहाँ से मेन स्टोरी कंटिन्यू होगी लेकिन अगले गेम प्ले में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।